Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम SCO भी कहते हैं. ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शंघाई में जो है फाउंड की गई थी. इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, करगिस्तान एंड तजाकिस्तान है, जो कि 2001 में बना था. ये जो है इसमें कॉपरेशन के लिए SCO मेन बना था और इसके मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स जो हमने अभी जानने हैं. ठीक है, इसमें जो कॉपरेशन है और वो कैसी कॉपरेशन है, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज जो हैं बॉर्डर से रिलेटेड हो गए, इसमें रिजॉल्व किए जाते हैं. मिलिट्री कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, काउंटर टेररिज्म है और काउंटरिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया. ठीक है, अब इसके 8 परमानेंट मेंबर्स हैं. वो कौन कौन से हैं, पहले तो हमने 5 जान ही लिए, उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है. तो हम जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं. तो अगर हम मोस्टली हमारा वर्क जो है यही है कि इंडिया के क्या रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ. तो आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ रिलेशन विद SCO. On June 9, 2017, India became a full member of the Shanghai Cooperation Organization. अगर हम बात करें इंडिया की, तो June 9, 2017 को ये जो है SCO का member बना इंडिया. A grouping one of whose primary objective is to ensure stability on the borders of its members. तो इसमें जो है इनका main role है, इंडिया का main role है कि stability होनी चाहिए. This development came amidst India's borders standoff with China in the Sikkim sector and ongoing ceasefire violations on the line of control with Pakistan. जैसे कि border पर जो हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं borders के कारण, जैसे कि China और Pakistan की अगर हम बात करें तो India के साथ जो झगड़ा होता है. India being a energy deficient country with increasing demand for energy, it is an assured market for the resource rich Central Asian countries and Russia. SCO membership could help advance talks on the construction of tall pipelines like TAPI, which is of considerable importance to India's natural gas needs. ठीक है, pipelines में इन्होंने construct की हैं ताकि India की जो needs हैं जैसे gas की हैं वो fulfill हो सके. Another development related to India's energy requirements is the produced Russian idea of an energy club. अगर हम another development की बात करें तो इसमें एनर्जी क्लब जो है इन्होंने बनाया है इंट्रैक्शन से, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स के बीच में इंट्रैक्शन करके इन्होंने एक एनर्जी क्लब बनाया है. वाइल शेपिंग अ कॉमन एनर्जी सिस्टम इन बोथ अ रीजनल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट, जिसमें ये जो है कॉमन एनर्जी सिस्टम जो है यूज़ करते हैं रीजनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी. विद इन दिस फ्रेमवर्क इंडिया एंड रशिया आर एक्सप्लोरिंग अ पॉसिबल हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन रूट थ्रू नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना, जिसमें ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन. फॉर देयर पार्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्रोवाइड इंडिया विद द मार्केट फॉर इट्स IT. ऐसे ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को IT भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मार्केट जो है वो भी अच्छे से चल सके. टेली कम्युनिकेशन हो गई, बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा मार्केटिंग के लिए यूज़ होती हैं और उनके लिए ये IT प्रोवाइड कर रहे हैं. Thus, membership in SCO will help deepen economic ties between India and the Central Asian countries and eventually even result in a free trade agreement. जिससे जो है free trade भी हो पाए. There are also other advantages that could accrue to India from its membership in SCO. Firstly, Pakistan, which too enjoys historical and cultural links to Central Asia, would be able to deepen its own relationship with CARS. This combined with the fact that CARS are also part of Organization of Islamic Cooperation. इसमें जो CARS है ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है OIC. That is Organization of Islamic Cooperation.
ठीक है, इसमें जो है टेररिज्म के लिए वर्क करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट, कि टेररिज्म जो है वो ना हो, टेररिस्ट अटैक्स जो है वो ना हो. सेकेंडली, इंडियाज़ प्रेजेंस इन एस सी ओ वुड ऑल्सो इंश्योर दैट चाइना डज नॉट डिक्टेट टर्म्स इन यूरेशिया. दिस इज़ ऑल्सो द कंसर्न ऑफ रशिया विच इज़ इन अ स्टेट ऑफ अ सॉफ्ट कॉम्पिटिशन विद चाइना इन सेंट्रल एशिया. ठीक है, चाइना और सेंट्रल एशिया में जो है कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसमें भी जो है हेल्प हो रही है रशिया की. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई रशिया ऑलवेज बैक्ड इंडिया एंड ईरान्स एडमिशन इन टू एस सी ओ वेयर इज चाइना ब्रॉट इन पाकिस्तान. इंडिया जो है मोस्टली रशिया जो है उसकी तरफदारी करता है और चाइना जो है वो पाकिस्तान की. तो इसी तरीके से वो एक दूसरे को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं. मोर ओवर, इंडिया वुड बी एबल टू ऑफसेट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया बाय मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, तो इन्होंने INSTC भी बनाया, मतलब कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया है सपोर्ट करने के लिए. थर्डली, द यूरेशियन पावर्स आर बाउंड टू प्ले अ मेजर रोल इन अफगानिस्तान सिक्योरिटी अफेयर्स. जो यूरेशियन पावर्स हैं ये भी बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए. रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंगेजिंग द तालिबान विच इज़ ऑफ कंसर्न टू इंडिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया डज नॉट गेट लेफ्ट आउट ऑफ द इन्वॉल्विंग सिचुएशन इन दैट कंट्री एंड SCO मेंबरशिप कुड हेल्प इन दिस रिगार्ड. इंडिया वुड ऑल्सो बेनिफिट फॉर द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड इन तशकंद. ठीक है, तो इंडिया जो है वर्क कर रहा है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के लिए, जो RATS ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है. ठीक है, ताकि टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो ना हो और डेवलपमेंट सभी की हो सके. नेक्स्ट है AU. AU भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जो है अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है. ये मोस्टली जो है 1963 में बना था. ठीक है, इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी भी कहा जाता है. तो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी पड़ा तो ये 2002 में जो है वो बनी थी. ये क्या करती है, यूनिटी को प्रमोट करती है कि यूनिटी जो है वो आगे बढ़े. अफ्रीकन स्टेट्स टू स्पर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन. और ये जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करती है. ठीक है, द AU रिप्लेस द OAU. ठीक है, अभी मैंने बताया कि AU क्या है, अफ्रीकन यूनियन, और अफ्रीकन यूनियन जो है वो रिप्लेस होके OAU बनी थी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं एडिस अबाबा और इथोपिया, मतलब कि इथोपिया में है. एडिस अबाबा इथोपिया, मतलब कि इथोपिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है. द OAU वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन May 25, 1963. ये जो है 25 मई को बना है 1963 में. मेडिटेशन ऑफ बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजनल एंड सिविल वॉर्स एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन. इसमें जो है डिप्लोमेसी मोस्टली इंक्लूड होती है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो किसी में, सिविल वॉर्स जो हैं वो भी जो है इसमें आते हैं, ताकि जो है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके. द OAU मेंटेन द अफ्रीका ग्रुप ऑफ एट द यूनाइटेड नेशंस थ्रू विच मैनी ऑफ इट्स एफर्ट्स एट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन वर चैनल. द OAU वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द जॉइंट कॉपरेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स इन द वर्क ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 विच एक्ट्स एज अ कैकस ऑफ डिवेलपिंग नेशन विद इन द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट. ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रेड के लिए भी है, डिवेलपमेंट के लिए भी है. इसे ग्रुप ऑफ 77 भी कहा जाता है, कि ऐसे ये वर्क करता है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो. द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द OAU वॉज द एनुअल असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. बिटवीन दिस समिट कॉन्फ्रेंसेज पॉलिसी डिसीजन वर इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर हम बात करें तो इस समिट में मेन जो डिसीजंस हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होते हैं. द मेजर प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स ऑफ द OAU वर मेडिटेशन इन सेवरल बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स. इसमें जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी जो हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाता है. सिंस इंसेप्शन ऑफ द AU इंडिया हैज़ बीन रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन इट्स वेरियस समिट्स. इंडिया जो है रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. डॉक्टर शशि थरूर MOU फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द 14th ऑर्डिनरी समिट ऑफ द AU. जो डॉक्टर शशि थरूर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था 14th समिट में इसकी.
During her stay, she addressed the 18th ordinary session of the Executive Council of the African Union on January 27, 2011. MOS met chairperson of the African Union Commission and held bilateral मीटिंग्स, जिसमें जो है बार बार मीटिंग्स होती रहती हैं, बायलेटरल मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट, द फर्स्ट इन एवर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अटेंडेड बाय द कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग AU एंड द रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले ये जो है न्यू दिल्ली में हुई थी 8 और 9 अप्रैल 2008 में। इसमें जो है 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो एक तरह का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडिया और AU के रिलेशंस में, ठीक है। इंडिया हैज़ कमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया ने जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है रिसर्च के लिए, डिवेलपमेंट के लिए, ताकि बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिन्यू हो सकें, जैसे कि एनर्जी, एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट के लिए जो है वर्क हो सकें, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो फायर एवर इंडिया अफ्रीका एडिटर्स कॉन्फ्रेंस भी इसमें हुई है, अ प्रोग्राम फॉर यूथ एंड वुमेन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका के यूथ्स के लिए, वुमेन के लिए, बिजनेस के लिए जो है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी यहाँ पे जो है सेमिनार हुए हैं, इंडिया और अफ्रीका कल्चरल ट्रूप्स की जॉइंट परफॉर्मेंसेज भी हुई हैं, और ये सब जो है डिवेलपमेंट के लिए ही है, कोऑर्डिनेशन जो है बनी रहे टू कंट्रीज़ में, इसीलिए है, ठीक है। फॉलो अप ऑफ इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट, Following visit of a high-level delegation from AUC to New Delhi, a joint action plan with a view to implementing the decisions of the IAFS 2008 was launched on 10 March 2010 between the Government of India and AU. ठीक है, तो इसमें जो है implement किए गए actions जो हैं launch किए गए हैं Government of India में और AU में। सेकेंड अफ्रीकन इंडिया फॉरम समिट जो हुई है वो हुई थी 20 मई से लेके 25 मई 2011 में। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ न्यू क्रेडिट लाइन ऑफ US $300 million फॉर दिजिबाउटी इथोपिया रेलवे लाइन। इसमें जो है उन्होंने क्रेडिट लाइन दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, $300 million थे इसमें, ठीक है। तो ये किस रेलवे किसके लिए था, रेलवे लाइन बनाने के लिए था। इसमें जो है कॉपरेशन भी थी, फ्रेमवर्क इन्होंने अच्छे से बनाया था कॉपरेटिवली। द अबाबा डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द समिट, और जो हमने ऊपर पढ़ा था कि डिक्लेरेशन हुई थी और ये डिक्लेरेशन जो है इस समिट में अडॉप्ट की गई थी। A joint statement was issued at the end of the trade ministers meet. The trade ministers also meet a group of Indian and African CEOs and the minister of commerce and industry held a press conference after the meet. इसमें जो है ट्रेड मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी भी मीट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें जो बेस्ट हैं ट्रेडिंग के लिए क्या किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, पी फॉर पैन एंड ई, ये जो है इसमें पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। पी जो है उसकी फुल फॉर्म पैन है एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कंजक्शन विद द अफ्रीकन यूनियन। 2004 में ये जो है स्टार्ट किया था, बनाया गया था, और जो इसकी इनॉग्रेशन है श्री प्रणब मुखर्जी ने की थी, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे, ऑन फरवरी 26, 2009, ठीक है, और न्यू दिल्ली में की थी। द सेवेंथ मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी टुक प्लेस इन मई 2010, और सेवेंथ मीटिंग जो है इसकी 2010 में हुई थी, ठीक है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो है इन्होंने वर्क किया था, जैसे कि इग्नो हो गई, एमएटी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसके लिए उन्होंने वर्क किया था। एक तरह के ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इथोपिया जो है वो फर्स्ट बेनिफिशरी था इस प्रोजेक्ट के लिए, पायलट प्रोजेक्ट जो था, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 2009। AU हैज बिकेम द 48 मेंबर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। जो AU था 48 मेंबर था, और जो डॉक्टर शशि थरूर थे वो भी उन्होंने विजिट की थी इसमें अबाबा में 2010 में, 14 समिट में, ताकि जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। मेडिसिन से रिलेटेड था ये, टेली मेडिसिन जिसे कहते हैं, टेली एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट है द साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जिसे कि SADC भी कहा जाता है। ये जो है 1980 में बनी थी, ये भी एक तरह की अलायंस है सेवन स्टेट्स में, जो कि हैं
साउथर्न अफ्रीका, लिसोथो, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, जाम्बे, ठीक है, ये जो है साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बनी थी उसमें ये सभी हैं, साउथर्न कंट्रीज ही हैं मोस्टली. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस इनटू अ एसएडीसी टुक प्लेस ऑन 1992 में ये जो हुई थी, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो शिफ्टेड टू इंक्लूड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथर्न अफ्रीकन कंट्रीज. द ट्रीटी वॉज अमेंडेड ऑन August 14, 2001 रिकॉग्नाइजिंग न्यू चैलेंजेस. इसमें जो है कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इसको अमेंड किया गया और इसमें फिर 15 जो है मेंबर स्टेट हो गई, मतलब कि कंट्रीज. तो इसमें सिर्फ मतलब कि साउथर्न कंट्रीज ही थी, साउथ अफ्रीका मोस्टली है, तो बाकी स्टेट्स ही थी जो हमने पहले ऊपर पांच पढ़ी. तो पहले पांच स्टेट्स थी, उसके बाद 15 जो हैं स्टेट्स हैं, जैसे कि एंगोला, बोस्टवाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बावे, ये तो हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है. तो इस तरीके से 15 इसमें स्टेट्स थी. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, पॉवर्टी ना रहे, गरीबी ना रहे, ठीक है, और स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहे, ठीक है. इसलिए ये जो इन्होंने बनाया था, इसमें जो है डेवलपमेंट के सभी उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए हुए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसे इन्हांस करने के लिए बनाया हुआ था. इसमें जो है कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी थी. उन्होंने जो है पीस एंड सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करना करने का इनका मेन एम था. बाकी उन्होंने सस्टेनिंग डेवलपमेंट के लिए भी वर्क किया था कि वो भी आगे प्रमोट हो. इसमें नेशनल रीजनल स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स इन्होंने बनाए, प्रमोट की कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सभी को, इनइक्वालिटी जो है नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट जो है सभी को दी जानी चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि प्रोटेक्शन हो सके हमारे एनवायरनमेंट की, ठीक है. इसी तरीके से उन्होंने लिंक्स भी बना के रखे दूसरे रीजन्स से. सेकेंड है, नेक्स्ट है, सॉरी, इंडियाज रिलेशन विद द साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी. इंडिया का कैसा रिलेशन था साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के साथ. SADC has emerged as important partner for India. ये एक तरह का important partner था, ठीक है, export destination की तरह था, import source है एक तरह का, जिसमें export import होता ही रहता था, ठीक है, एक तरह के trade linkages थे, ठीक है. आगे आगे ये जो है इनकी importance increase होती रही. In the SADC region, Indian multinational enterprises have ventured into both greenfield and brownfield investments spanning across various sectors including manufacturing, mining, construction and energy among others. Isme alag alag factors se manufacturing ke, mining ke, construction ke, theek hai. The countries of the SADC region have always been a focus region of Exim India and is a critical component of its strategy to promote and support two-way trade. इसमें जो है two-way trade को promote किया गया था, economic development के लिए था ये mostly, कि relations बने रहे, ठीक है, और countries तो हमें इसमें पता ही चल गई. तो अगर हम बात करें तो ये सब जो है development के लिए था, कि relations जो है दूसरी countries से बने रहे, import export जो है वो अच्छे से होता रहे, trade जो है वो अच्छे से होता रहे, ठीक है, ताकि गरीबी जो है वो भी कम हो, गरीबी जो है ना हो, ठीक है. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.